आप सब ये तो जानते होंगे कि कायनात की गहराइयों में हम इंसान एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां टेम्परेचर ना तो ज्यादा है और ना ही कम है। हमारी स्मी सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि यहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। हमारी स्मीन पर बहुत ज्यादा चांदा रहते हैं, लेकिन सोचने और समझने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंसानों के अंदर की क्यूरियोसिटी ही इसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी स्मीन पर लाइफ कैसे आई। और इस सवाल ने तो साइंसदानों की नींदें उड़ा दी हैं कि क्या इस पूरी कायनात में हम अकेले हैं, या फिर हमसे भी ज्यादा कोई एडवांस सिविलाइजेशन कायनात के किसी कोने में रहती है। और अगर एलियंस हमारी स्मीन पर आके तो हम उनसे बात कैसे करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के इंसान, साइंसदान इन्हें बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जो इस बात का ठोस सबूत देता हो कि हाँ, हमारी कायनात में एलियंस मौजूद हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, साइंस फिक्शन मूवीज में हम जो एलियंस देखते हैं, क्या हकीकत में भी वो ऐसे ही होते हैं या फिर उससे भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। ये बात आप जान लें, इन सवालों के जवाब ढूंढना अभी तक नामुमकिन है। जून 2021 में अमेरिका की गवर्नमेंट ने यूएफओ से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये कहा गया था कि अब तक जमीन पर एलियंस के आने के सबूत नहीं मिले, लेकिन इस रिपोर्ट में एलियंस की मौजूदगी से इनकार भी नहीं किया गया था। हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी सियारों को आज तक स्टडी किया गया है, साइंसदानों के मुताबिक उनमें से कुछ सियारों पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसके बारे में भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं हमारे करीबी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी की। अल्फा सेंटोरी हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर मौजूद है। फ्यूचर में साइंसदान यहाँ पर लाइफ को ढूंढने के लिए मिशन भेजेंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हमारी स्मीन के अलावा किसी और सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या फिर नहीं। तो ये बात आप जान लें, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी बहुत बड़े बड़े मिशन कम्प्लीट कर चुकी है, लेकिन अभी तक उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मार्च 2009 में नासा ने कैपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था, जिसमें एक ऑब्जर्वेटरी मौजूद थी, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद लाइफ को ढूंढना था। साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप को जमीन से दूर स्पेस में एक ऐसी जगह पर रखा था यहाँ से ये कायनात की गहराइयों की इन्फॉर्मेशन जमीन पर आसानी से भेज सके। इस टेलीस्कोप ने कई सालों तक स्टार्स पर नजर रखी ताकि वो ये जान सके कि किसी स्टार से आने वाली रोशनी तब्दील होती है या नहीं। अगर इसकी ब्राइटनेस में चेंजिंग आती है तो फिर इसका मतलब ये है कि स्टार के सामने से कुछ गुजर रहा है, हो सकता है कि ये कोई सियारा हो। अगर किसी स्टार की ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती है तो इससे साफ वाजिया हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट इसके किर्द ऑर्बिट कर रहा है। कैपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 9 साल के टाइम में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 2600 सियारों को ढूंढा था, लेकिन फिर भी सवाल वही है, आखिर इनमें से कितने सियारों पर लाइफ मौजूद है। अभी तक साइंसदान सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि दूसरे सियारों पर लाइफ किन कंडीशन में हो सकती है, क्योंकि हमने तो सिर्फ जमीन की लाइफ को ही देखा है। अगर कोई सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस सियारे पर लाइफ मौजूद हो सकती है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो इसमें ऐसे 30 करोड़ सियारे हो सकते हैं, लेकिन हम इंसानों का ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि लाइफ सिर्फ जमीन के एनवायरनमेंट जैसे एनवायरनमेंट में हो सकती है। ये बात आप जान लें, कुछ साल पहले साइंसदानों ने एक ऐसे जानदार को ढूंढा जो हर तरह की कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है। ये जानदार जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम टर्डीग्रेड है, जो उबलते हुए पानी में भी जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि ये जानदार समुन्द्र की गहराई में भी जिंदा रह सकता है और स्पेस के अंधेरों में भी जिंदा रह सकता है। इसे देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफ किसी भी सियारे पर मौजूद हो सकती है। साइंसदान का कहना है कि ये छोटे छोटे जानदार पूरी कायनात में मौजूद हैं। इसके बाद एलियंस के बारे में जानते हैं। पिछले कई सालों से साइंसदान जमीन से रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं ताकि अगर स्पेस में इंसानों जैसी लाइफ मौजूद हुई तो वो उन्हें सुनकर इसका जवाब दे सके। ये बात आप जान लें, 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है साइंसदान को स्पेस में रेडियो सिग्नल्स को भेजते हुए, लेकिन अब तक एलियंस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है जैसे हम सोच रहे हैं वैसे एलियंस हमारी कायनात में मौजूद ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा दूर हों कि अभी तक उन्हें हमारा रेडियो
कोई सिग्नल ना मिला हो, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बात आप जान लें, स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि एलियंस को मैसेज भेजना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा एडवांस हों और वो हमारे बारे में अभी तक ना जानते हों, लेकिन हमारे रेडियो सिग्नल्स मिलने से वो हमें ढूंढते हुए हमारी जमीन पर आ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का ये भी कहना था कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए अगले कुछ 100 सालों में जमीन को छोड़ के किसी और सियारे पर जाना पड़ेगा। उसका मानना था कि 100 साल बाद जमीन रहने के लायक नहीं होगी। ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है, अगर एलियंस हमें मिल गए तो उस वक्त हमारे पास उनसे बचने के लिए क्या ऑप्शन होगा। साइंसदान का कहना है कि हमारी कायनात में लाइफ मौजूद है, लेकिन वो परेशान इस बात से हैं कि एलियंस का पता चलने के बाद क्या होगा। ये बात आप जान लें, किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं है कि अगर एलियंस मिल गए तो इसका हम पर क्या असर होगा और इनसे कैसे बचा जाएगा। नासा के एक साइंसदान का कहना है कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं आखिर वो देखने में कैसे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एलियंस सच्चे होंगे, हो सकता है कि वो हमारी स्क्रीन पर आने के बाद हम इंसान को खत्म कर दें, और ये भी हो सकता है कि जिन एलियंस को हम ढूंढ रहे हैं वो हमें ही ढूंढ रहे हों। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर हम उनसे बात कैसे करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा जो पूरी कायनात में इस्तेमाल होती हो। यहाँ पर एक सवाल आता है, जब एलियंस हमारी स्क्रीन पर आएंगे तो हम उनके साथ क्या करेंगे। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। यहाँ पर सबसे मुश्किल सवाल ये है, क्या हम उनको अपने बारे में बता पाएंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक और सवाल आता है, सबसे पहले एलियन से बात कौन करेगा। ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साइंसदान का कहना है कि ना तो एलियंस की मौजूदगी से इनकार किया जा सकता है और ना ही सबूत के साथ ये कहा जा सकता है कि हम इंसान एलियंस को ढूंढ पाएंगे। इन्हें ढूंढने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी, लेकिन हमें किसी दूसरे सियारे पर जाना होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।